कैमरा दी, कैमरा दी, कैमरा, कैमरा दी, भैया आप तो बैठ कर एक रुपया काम कर लें फिर। हाँ जी, गोली चली किसने चलाई, कैसे लगा तुम लोग को? सर जमीन का मामला था हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान एक दस में आया इधर जंगल काबिज करने के लिए। हाँ, हमारे लोग भी थे, उसका भी लोग आए थे, तो आते आते ही गोली फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो क्या तुम लोग भी हथियार बंद थे क्या, कुछ हथियार वगैरह लिए थे क्या? सर हम लोग के पास लाठी था, लाठी चला और कोई दूसरा चीज नहीं। कहा जा रहा है कि असलहे और तुम लोग के पास भी गोला बारूद था, ऐसा नहीं था सर, ऐसा नहीं। अच्छा, तो तुम लोग कितनी संख्या में थे, वो सब कितनी संख्या में थे? सर वो लोग 30 गाड़ी लेके आए थे और 100 के करीब आदमी बाहर से मंगा के लेके आए थे। तो क्या क्या असलहे थे क्या उनके पास, असलहे थे क्या उनके पास, हथियार थे उनके पास? जी सर, 3 बंदूक थी। अच्छा, तो तुम लोग कितने लोग थे? सर हम लोग 70-75 लोग थे, अपने पास लाठी थी। तो सबको गोली मारे हैं सर, एकदम फायर करने लगे, 11-12 लोग तो खत्म हो गए। तो कौन इस पूरी घटना में कौन कौन साजिश रचा है, किसकी वजह से ये सब हुआ है? ये सर जगदत सिंह है, ग्राम प्रधान है। कौन से गाँव के? सतही उपभामुक्तिया का प्रधान है, रहने वाला सतही का। गांव का नाम गांव है। इस गांव में एक जमीनी विवाद बताया जा रहा है, इसमें जो जिस पक्ष के लोग मृत्यु हुई है, 9 लोगों की डेथ हुई है, इन लोगों का कब्जा काफ़ी समय से बताया जा रहा है। दूसरा पक्ष जो प्रधान है, तब इस पक्ष का जो बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इन्होंने किसी जमीन को जमीन खरीदी है, अराउंड 140 बीघा जमीन खरीदी, लेकिन तब से अभी तक कोई कब्जा नहीं हुआ था। तो आज ये अपने कुछ साथियों को लेकर, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को लेकर के ट्रैक्टर लेकर वहाँ जुताई करने पहुँच गए। तो जो विक्टिम पक्ष है उन्होंने सब विरोध किया, उसी में ये विवाद शुरू हुआ, फायरिंग हुई, उसमें 9 कैजुअल्टी हो गई एक पक्ष की, उसमें 6 पुरुष हैं, 3 महिला हैं, कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, उनमें से 5 को रेफ़र किया गया ट्रामा सेंटर बनारस के लिए किया गया है, वो भी विक्टिम पक्ष के हैं, और उनके 12 लोग यहाँ भी एडमिट हैं, वो सब सेफ, सब सेफ हैं। अब तक इसमें 10 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सर? अभी देखिए, मैं थाने से पूरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, यहाँ से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, मैं अभी मौके पर जा रहा हूँ उधर। क्या सिक्योरिटी लैप्स माना जाए, बताया जा रहा है कि तहसील दिवस में भी दिया गया था? अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कभी मैं पहले सीधे बनारस से यहाँ पहुँचा हूँ, हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, मौके पर जाऊँगा, थाने पर जाऊँगा, रिकॉर्ड देखूँगा, उससे बात करूँगा, तो क्या है क्या नहीं था, कहाँ विकल्प दी गई नहीं दी गई, सारी छानबीन की जाएगी, इसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जितने अभियुक्त हैं एक को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन के खिलाफ किया जाएगा। जो संबंधित थाने के लोग हैं या जो लोकल पुलिस है, क्या उनका भी कोई लापरवाही सामने आया है? कहा ना, अभी मैं सीधा बनारस से होटल पहुंचा हूं, अभी मैं मौके पर जा रहा हूं, थाने भी जाऊंगा, हर चीज़ को देखा जाएगा, और जो भी होगा आपको बताया जाएगा। उम्मीद है सर कि अगर लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी? यदि जिसकी भी लापरवाही होगी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, तो कोई शक ही नहीं।